हरे ओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपको मुगल कालीन श्रृंखला का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आज अकबर के बारे में आपको बताएंगे, जिसे महान सम्राट या अकबर महान की उपाधि दी गई है। दोस्तों, इसके पहले हमने मुगल सीरीज जो प्रारंभ की है, इसमें बाबर और हुमायूं के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें जीके पूछा जाना है तो निश्चित रूप से ये स्टैटिक जीके स्टूडेंट्स कहलाता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि यदि आपने एक बार ये तैयार कर लिया तो फिर आपको आगे के एग्जाम में ये बार बार तैयार नहीं करना है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को यदि देने जाते हो तो निश्चित रूप से मुगल काल से दो या तीन प्रश्न आते ही हैं, बिल्कुल ये तय है इंडियन हिस्ट्री जीके में से। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम निःशुल्क रूप से यूट्यूब के माध्यम से मैथ्स, रीजनिंग, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं संबंधी सभी विषय जीके और साइंस की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन, इसे हम मध्य भारत का ये मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कहते हैं। इसमें आज हम का हमारा जो विषय है ये है मुगल काल में अकबर। स्टूडेंट्स, अकबर का जो टाइम पीरियड रहा है ये 1542 से 1605 ईस्वी तक का रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकबर के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो अकबर था ये हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म कहां हुआ स्टूडेंट्स? तो जब हुमायूं का निर्वासित काल चल रहा था, यहां दिल्ली में शेरशाह सूरी ने कब्जा कर रखा था दिल्ली और आगरा पर। उस समय मुगल काल अस्त व्यस्त चल रहा था, मुगल शासक हुमायूं यहां वहां दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहा था। उसी निर्वासित अवधि के दौरान अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। स्टूडेंट्स याद रखें, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के यहां। अमरकोट के एक राजा थे राणा बीरसाल के यहां, इनके किले में अकबर का जन्म हुआ था। और ये जो अमरकोट है स्टूडेंट्स, ये वर्तमान में पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत के अंतर्गत आता था, उस समय आज भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अकबर का जन्म हो गया। अकबर का पूरा नाम यदि देखते हैं तो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ध्यान से सुनना एक बार और, आप सुन लें, अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। स्टूडेंट्स, आप ये पूरे नाम सभी के याद करना ही है आपको, यहां से प्रश्न बनते हैं। आप चाहें तो पेन कॉपी उठा के नोट्स बनाते चले, इनको आप लिखते चले। अब हम देखते हैं अकबर की माता का क्या नाम था। तो अकबर की माता का नाम था स्टूडेंट्स हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम था हुमायूं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अकबर की स्टूडेंट्स सात पत्नियां थी। यदि हम पत्नियों पर चर्चा करें तो अकबर की सात बेगम थी, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए हमने इसको शामिल किया है। अकबर की सात बेगम थी, उनमें से यह भी पूछा गया है फर्स्ट जो बेगम थी इसका नाम है रुकैया सुल्तान बेगम। अकबर की जो फर्स्ट बीबी थी इसका नाम है स्टूडेंट्स रुकैया सुल्तान बेगम। अकबर की एक हिंदू या हम कहें कि राजपूत रानी थी, उसका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। और जो ये जोधाबाई थी ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, आमेर राजस्थान के राजा भारमल की राजपूत रानी थी। कौन? जोधाबाई। ठीक है, यही सबसे ज्यादा फेमस रही है। आगे हम देखते हैं, इसकी एक पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। इसने सलीमा बेगम से भी निकाह किया था स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि अकबर ने जब राज्याभिषेक करवाया तो अकबर की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष थी। अकबर उतना योग्य सुदृढ़ शासक उस समय नहीं था। तो बैरम खान एक व्यक्ति जो हुमायूं का सहयोगी रहा है, हुमायूं को उसने मच्छीवाड़ा सरहिंद के युद्ध में जीत दिलवाई थी स्टूडेंट्स, तो वो बैरम खान उसका नाम है। और जब बैरम खान की डेथ हो जाती है, बैरम खान मारा जाता है गुजरात में पाटम के यहां, जब ये बैरम खान मारा जाता है तो इसकी जो विधवा पत्नी होती है उसका नाम है सलीमा बेगम। तो अकबर सलीमा बेगम से भी निकाह करवा लेता है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि ये जो हमीदा सॉरी जो ये सलीमा बेगम थी ये बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था इसकी पत्नी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और देखते हैं। फिर कभी कभी यहां से अकबर के गुरु का नाम पूछा जाता है, तो अकबर के गुरु का नाम था सलीम चिश्ती।
क्या नाम था, सलीम चिश्ती। और ये जो सलीम चिश्ती हैं, इनका मकबरा भी अकबर ने बनवाया था, आगे हम आपको बताएंगे। और अकबर का जो लड़का हुआ जहांगीर, तो जहांगीर को वो सलीम कह के बुलाते थे, और जो सलीम नाम रखा था उनने, अकबर ने अपने लड़के का, वो उनके गुरु सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। ठीक है, जब अच्छा शुरुआत में अब हम देखते हैं कि अकबर को हुमायूं ने कहां की जागीर दी थी या फिर कहां का सूबेदार नियुक्त किया था स्टूडेंट। तो उस समय जब भारत एक था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत के अंतर्गत ही आते थे, भारत में ही शामिल थे, तो गजनी और लाहौर का सूबेदार था अकबर। शुरुआत में ये प्रश्न पूछा जाता है, आप नोट्स बना ले इसके। अकबर राज्याभिषेक के पहले कहां का सूबेदार था, तो गजनी और लाहौर, गजनी जो अफगानिस्तान में आता है और लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अकबर का जो राज्याभिषेक होना है ये 1556 में होना है, और 1556 स्टूडेंट्स वो डेट है जिसमें अकबर के पिता हुमायूं की डेथ हो जाना है। ठीक है, दीनपनाह नगर में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हुमायूं की जो डेथ हुई थी ये दिल्ली में, जो दीनपनाह नगर की स्थापना या दीनपनाह का किला जो बनवाया था हुमायूं ने, उसी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल करके हुमायूं की डेथ हो जाती है। शुरुआत में अकबर को ये बताया नहीं जाता है, लेकिन बैरम खान के द्वारा 14 फरवरी, याद रखे स्टूडेंट्स तारीख, ये भी वैलेंटाइन डे की तारीख है, बाबर का जन्मदिन भी है ये, तो 14 फरवरी 1556 को लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में कलानौर का किला है स्टूडेंट्स, ये पंजाब में है। कलानौर का किला पंजाब के गुरुदासपुर जिले में पड़ता है, पंजाब के गुरुदासपुर जिले में पड़ता है कलानौर का किला। हुमायूं की डेथ हो जाने के बाद में अकबर को बताया नहीं गया है, लेकिन यहां पर बैरम खान के संरक्षण में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और अकबर को बादशाह घोषित कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि अकबर का संरक्षण किसके द्वारा होना है। तो स्टूडेंट्स अकबर का जो संरक्षण होना है वो होना है मुख्यतः किसके द्वारा, बैरम खान के द्वारा। और ये बैरम खान उस समय कौन सी पदवी पर रहता है, तो इसे वजीर की पदवी पर रहता है स्टूडेंट्स। मुगल काल में जो वजीर है, ये वजीर प्रधानमंत्री का पद उस समय पर हुआ करता था। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आपसे पूछा गया है कि जो अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा है तो वो कब तक रहा है स्टूडेंट्स, तो वो रहा है 1556 से 1560 तक के टाइम पीरियड पे। कितने, 1556 से 1560, मतलब लगभग 4 साल अकबर जो रहा है वो वजीर बैरम खान के संरक्षण में रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हाँ, एक रचना है जो अकबर के नवरत्न है, उनमें से एक अकबर के नवरत्न स्टूडेंट्स कौन, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवनी लिखी जाती है जिसका नाम है अकबरनामा, और इसी अकबरनामा के तीसरे अध्याय में बताया गया का नाम है आईने अकबरी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो ये अकबरनामा है ये अबुल फजल, उसके जो नवरत्न है, नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्यकाल की ये रचना है, और इसी के तीसरे अध्याय को क्या कहा जाता है, आईने अकबरी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक इतिहासकार रहे हैं फॉरेन कंट्री के, लैनपूल के अनुसार मुगल काल का स्वर्णयुग किस के काल को कहते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि मुगल काल का स्वर्णयुग किस के शासन पीरियड को कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स मुगल काल का स्वर्णयुग लैनपूल के अनुसार अकबर के शासन काल को कहा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अकबर ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है अकबर ए आजम। अकबर को क्या कहा जाता था, अकबर ए आजम कहा जाता था स्टूडेंट्स, किसे, अकबर को। और अकबर ए आजम का अर्थ ही होता था अकबर महान, मतलब इसे महान सम्राट भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो अकबर महान भी कहा जाता था इसे। मतलब कभी कभी प्रश्न आता है, यहां से इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्न मुगल शासकों में महान उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, तो अकबर महान, अकबर को अकबर महान कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं, पेटीकोट या पर्दा शासन की जो व्यवस्था थी वो अकबर के टाइम पीरियड पर थी। ये पेटीकोट या पर्दा शासन क्या कहलाता था, आइए अब हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स क्या था कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर की उम्र कम थी, तो यहां पर कुछ महिलाओं का आधिपत्य लगातार बढ़ता जा रहा है अकबर के शासन। दोस्तों आगे देखते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि पेटीकोट या पर्दा शासन क्या कहलाता है। तो मुख्यतः ऐसा शासन जिसमें अकबर के शासन काल में महिलाओं का हस्तक्षेप, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ गया था, इस प्रकार के शासन को
पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। स्टूडेंट्स कहते हैं यहां से प्रश्न आता है कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन किस मुगल शासक की समय में ये था, इस प्रकार से कैसा ही प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट्स। तो ये पेटीकोट या पर्दा शासन अकबर के टाइम पीरियड की एक व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं का हस्तक्षेप, महिलाओं का वर्चस्व शासन में बढ़ने लगा था। हालांकि अकबर 1564 में इस पेटीकोट या पर्दा शासन से मुक्त हो गया। और ये पर्दा शासन कब से चला, 1560 से 1564 तक। इसके अंतर्गत क्या होता था, यहां मुख्यतः 3 से 4 लोगों के अंडर में अकबर को कार्य करना पड़ रहा था। और वो 3 से 4 लोग क्या थे, एक तो उसकी धायमा महामनगा। स्टूडेंट्स धायमा का मतलब होता है जो उसका लालन पालन, उसकी देखभाल करने वाली थी, धायमा महामनगा। दूसरा इसका जो पुत्र था वो था आधम खां। थोड़ा सा आप इसके बारे में और स्टूडेंट सुन लें, जो ये आधम खां था, कभी यदि अकबर के टाइम पीरियड पर आपसे यदि कभी पूछा जाता है कि अकबर का प्रथम अभियान क्या था या अकबर का प्रथम विजय अभियान क्या था स्टूडेंट्स, तो वो था मालवा का अभियान। मालवा ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मालवा अभियान के लिए अकबर धायमा महामनगा के पुत्र आधम खां को भेजता है। आधम खां वहां मालवा का शासक मध्य प्रदेश में उस समय अशोकनगर गुना जिले के आसपास का जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट्स मालवा, यहां पर बाज बहादुर नाम का एक हिंदू शासक यहां पर राज्य कर रहा होता है। जैसा कि आपने सुना होगा बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रणय कथा, प्रेम कथा बहुत ज्यादा और फेमस है। तो ये जो आधम खां है ये बाज बहादुर को परास्त कर देता है, वहां किले पर अधिकार करता है, बहुत सा धन आधम खां जीत लेता है। लेकिन आधम खां उस जीते हुए धन को अकबर के राजकोष में जमा नहीं करता है। अकबर के बार बार कहने के बाद भी उल्टे जो आधम खां है वो अकबर को मृत्यु दंड देने का प्रयास करता है। अकबर से छल कपट के द्वारा अकबर को मारना चाहता है। इसके कुछ समय बाद अकबर उसे प्राणदंड या मृत्यु दंड दे देता है और जो अकबर है वो आधम खां को मरवा देता है। ठीक है, और जैसे ही आधम खां की डेथ होती है तो उसके बाद में उसकी धायमा महामनगा की भी डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको आधम खां के बारे में कुछ बताया। तो पेटीकोट या पर्दा शासन के अंतर्गत धायमा महामनगा, उसका पुत्र आधम खां और उसकी जो पुत्री होती है जीजी अनगा, इनका प्रभुत्व रहता है। इनके अंडर में अकबर शासन करता है। 1564 में पेटीकोट या पर्दा शासन का अंत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अकबर की 3 प्रकार की राजपूत नीति। अकबर की कभी यदि आपसे नीति के बारे में पूछा जाए तो स्टूडेंट्स अकबर चूंकि ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनमें अकबर सबसे कम पढ़ा लिखा था, उसकी ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके बाद भी अकबर एकमात्र ऐसा महान शासक हुआ जिसने हिंदुओं से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए और लगातार उसका साम्राज्य विस्तार होता गया। तो अकबर ने 3 प्रकार की राजपूत नीति को अपनाया था। पहली अकबर की जो राजपूत नीति थी वो ये थी कि अकबर ने कुछ राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनको अपने राजपूत राजघरानों को अपने रिश्तेदारों में बदल दिया, क्योंकि वो जानता था कि राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति के आगे हो सकता है किसी युद्ध में हम हार जाएं और हमारा जो वंश है इसका प्रभुत्व समाप्त हो जाए। तो अकबर चूंकि एक समझदार और दूरदर्शी शासक था इसलिए उसने पहली नीति क्या अपनाई कि राजपूत शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अकबर की जो दूसरी राजपूत नीति थी वो ये थी कि कुछ राजपूत राजघरानों से अकबर ने संबंध स्थापित किए, संधियां की, उनको अपने अधीन किया, उनसे टैक्सेशन लिया, इस प्रकार से ये दूसरी नीति थी स्टूडेंट्स। तीसरी राजपूतों की जो नीति थी मुख्यतः जो उनने महाराणा प्रताप से अपनाई 1576 में, अभी हम आपको आगे बताएंगे, हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ राजस्थान में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो तीसरी नीति थी वो ये थी कि जो भी राजपूत शासक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे उन राजपूत शासकों से अकबर ने युद्ध किए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन युद्धों के बारे में, उनके अभियानों के बारे में हम बताएंगे। तो ये यहां हम आपको बता ही चुके थे कि अकबर का जो पहला विजय अभियान रहा वो आपको मालवा विजय ही लिखना है या मालवा अभियान ही लिखना है, क्योंकि 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होना है इस युद्ध से तो वो वहां पर शासक बन ही गया था, दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो गया था। अभी हम बताएंगे उसके बारे में, कुछ चीजों को और देख लेते हैं। तो ये हमने आपको बताया अकबर की 3 प्रकार की राजपूत नीति। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अकबर का जो एक लड़का था उसका नाम क्या था, सलीम, और यही अकबर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, सलीम जो था इसने अकबर के
विरुद्ध में विद्रोह कर रखा। अकबर की शासन नीति को, कई नियमों को ये मानता नहीं था। कई जगह पर जाकर के इसने अकबर के विरुद्ध में संघर्ष किया, अकबर के विरोध में अपने विचार लोगों को इकट्ठा करके सलीम ने रखे। ये बात अकबर को पता लग गई थी और अकबर इस सलीम के विद्रोह से बहुत ज्यादा दुखी था। आगे आपको हम बताएंगे कि अकबर के अंतिम समय में सबसे ज्यादा अकबर को परेशान यदि किया तो उसके पुत्र सलीम ने, जिसका नाम था जहांगीर। ठीक है स्टूडेंट, सूर्य ही जो जहांगीर है ये अकबर का उत्तराधिकारी है, बाद में इसी को ही शासक बन जाना है। कभी कभी ये पूछा जाता है वहां से कि अकबर के जो नवरत्नों में से एक था साहित्यकार अबुल फजल की हत्या किसने करवा दी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सलीम का एक मित्र था बीर सिंह बुंदेला। मुख्यतः ये बुंदेला बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में छतरपुर टीकमगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम ने के कहने पर अबुल फजल की हत्या हो गई जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो आपको कहना है स्टूडेंट्स बीर सिंह बुंदेला जो बुंदेलखंड का उस समय शासक हुआ करता था, जो सलीम का मित्र था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहां से भी प्रश्न बनते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। स्टूडेंट्स एक वीडियो को आप हमारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, जिसमें हमने अकबर के नवरत्नों के बारे में बताया है। मध्य प्रदेश के गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों के बारे में बताया है। ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड पर कौन था, मतलब किस शासन काल के पीरियड, समकालीन कंटेम्परेरी जिसको हम कहते हैं, किस शासक के समकालीन कौन सा साहित्यकार या वैद्य या महान व्यक्ति था। ठीक है, ज्योतिषी वगैरह ये हमने सब बताए हैं, अपने लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। लेकिन हम अकबर के नवरत्नों पर फिर से चर्चा कर देते हैं, क्योंकि अकबर के नवरत्नों के बिना अकबर साम्राज्य को पढ़ना उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आपको अकबर के नवरत्न पढ़ने के लिए ट्रिक को याद करना होगा, और वो ट्रिक क्या है, यहां लिखा है टाटा व HND की FM अकबर के यहां मिलती थी। स्टूडेंट ट्रिक क्या है, ट्रिक है टाटा व HND की जो FM है वो किसके यहां मिलती थी, अकबर के यहां मिलती थी। ये एक उपकरण होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले FM चलती थी। ठीक है सर, तो ट्रिक क्या याद रखना, टाटा व HME की FM कहां मिलती थी, अकबर के यहां। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो पहले T यहां पर लिखा है तो T का मतलब होगा यहां पर तानसेन। जैसा कि आपको पता होगा कि जो तानसेन थे, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, मतलब ये ब्राह्मण थे। स्टूडेंट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु पांडे, और ये जो तानसेन थे ये गायक और संगीतकार थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इनके लिए कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि दी थी। ये प्रश्न आया है स्टूडेंट्स कभी कि कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो स्टूडेंट्स ये तानसेन ने ग्रहण की थी, और ये कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि तानसेन को किसने दी थी, तो ये अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। अकबर के टाइम पीरियड पर या समकालीन या तानसेन के और समकालीन कुछ अकबर के शासनकाल में कुछ संगीतज्ञ और गायक और भी थे जिनके नाम हैं यहां पर, ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको बताने का प्रयास किया है। उनमें हैं बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा। बैजू बाबरा से कई बार अकबर का सामना भी हुआ है, उनका शास्त्रार्थ मतलब आमना सामना हुआ है स्टूडेंट्स। और जो ये तानसेन थे ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर कालपी के आसपास के क्षेत्र से संबंधित थे, वहीं से तानसेन को अकबर ले गया था। और कभी कभी यहां से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में तानसेन की समाधि कहाँ है, तो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में जो तानसेन की समाधि है वो ग्वालियर में ही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि का क्षेत्रफल की दृष्टि से तानसेन की समाधि, और वो कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, राग मियां मल्हार जो एक राग गाई जाती है स्टूडेंट्स, राग मियां मल्हार के जनक थे कौन, तानसेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और राग दीपक भी ये गाते थे, और कहते हैं कि राग दीपक गाते समय इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मतलब जब ये गाते थे तो कहते हैं दीपक जल जाते थे अपने आप, तो राग दीपक गाते समय तानसेन की मृत्यु हो गई थी। फिर स्टूडेंट्स तानसेन के बारे में इतना पर्याप्त है। अब यहां सेकंड पे लिखा है ए, तो ए से बनता है यहां स्टूडेंट्स दूसरे इनके जो नवरत्न है उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। जो स्टूडेंट्स अब्दुल रहीम खान खाना है ये एक साहित्यकार है, ये एक कवि है, और जो अब्दुल रहीम खान खाना है ये बैरम खान का पुत्र है। कौन है ये, जो बैरम खान रहता है अकबर का संरक्षण 1560 तक जो बैरम खान अकबर के संरक्षण में रहा है, तो बैरम खान के प्रभाव को देखते हुए अकबर को संदेह होने लगा कि हो सकता है ये बैरम खान एक दिन
हमें अपदस्थ करके और स्वयं शासन ना करने लगे, तो बैरम खां के राज्य में हस्तक्षेप को देखते हुए अकबर और बैरम खां में कुछ कहा सुनी हो जाती है। अकबर बैरम खां को बुलवाता है और हज यात्रा के लिए भेजने का प्रस्ताव देता है। बैरम खां हज यात्रा करने के लिए मान जाता है और जब बैरम खां हज यात्रा करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में गुजरात में कहते हैं पाटम के पास में मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। और मुबारक खां कौन था कि मछीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए बैरम खां मारा जाता है। जब बैरम खां मारा जाता है तो इसके परिवार को अपने हाथ में ले लेता है अकबर, उनको संरक्षण प्रदान करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ सलीमा बेगम जो बैरम खां की विधवा पत्नी है से भी वो निकाह करता है, और ये जो लड़का है अब्दुल रहीम खाने खाना ये बैरम खां का ही लड़का है। इसे खाने खाना की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को अकबर के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट फिर लिखा है 3 नंबर पे टी, तो यहाँ टी का मतलब होता है टोडरमल। ये राजा टोडरमल राजपूत राजा थे, ये चतुर पटवारी थे। भूमि मापन सबसे पहले विश्व में कहते हैं कि सबसे अच्छा भूमि मापन की जो प्रथा चलाई थी वो राजा टोडरमल जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे इनने ही चलाई थी। हालांकि ये अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे, ये एक चतुर पटवारी थे। सर्वप्रथम विश्व में भूमि का सबसे अच्छा जो मापन करवाया था वो किसने करवाया था, टोडरमल ने। फिर स्टूडेंट्स अगले रत्न देखते हैं ए से बनेगा, यहां पर ए से बनेगा यहां पर अबुल फजल। क्या बनता है, अबुल फजल। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था अबुल फजल एक विद्वान थे, एक साहित्यकार थे जिनने अकबरनामा की रचना की, उसी अकबरनामा का एक हिस्सा है आईने अकबरी। इन्हीं अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया जिसे अनवर ए सादात कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आपको कहना है अबुल फजल के द्वारा किया गया, जिसे क्या कहा जाता है फारसी भाषा में, इसे कहा जाता है अनवर ए सादात। जैसा कि आपको पता होगा पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय रचना है जिसमें संस्कृत की कई अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह किया गया है, जिसके राइटर है विष्णु शर्मा पंचतंत्र की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पर्याप्त है अबुल फजल के बारे में। फिर यहां लिखा है एच, तो स्टूडेंट्स एस से बनता है हकीम हुक्काम। क्या बनता है, हकीम हुक्काम। जैसा कि यहां पर हकीम लिखा है तो ये उनके राजवैद्य थे, और हकीम हुक्काम जो था वो अकबर का निजी सलाहकार भी था, राजवैद्य भी था, और ये जो शाही पाठशाला होती थी उस समय शाही पाठशाला का प्रमुख हुआ करता था हकीम हुक्काम। स्टूडेंट्स शाही पाठशाला का मतलब उस टाइम पर होता था कि राजघरानों से संबंधित जो बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति होते थे इनके बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अलग से पाठशालाएं होती थी जिनको हम शाही पाठशालाएं कहते थे, तो शाही पाठशाला का प्रमुख था हकीम हुक्काम। अब देखते हैं यहाँ पर एम लिखा है स्टूडेंट्स, एम से बनता है यहाँ पर मानसिंह। ये जो राजा मानसिंह था ये आमेर का ही राजा था और ये एक राजपूत राजा था। मानसिंह ये बहुत कुशल या चतुर सेनापति था, बहुत सारी अकबर ने जो लड़ाइयां लड़ी वो मानसिंह के ही नेतृत्व में लड़ी, अकबर स्वयं कई लड़ाइयों को लड़ने के लिए नहीं गया। ठीक है, तो ये मानसिंह के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है बी, तो बी से बनता है बीरबल। जैसा कि आपको पता होगा बीरबल जो थे ये चतुर मंत्री थे। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, याद रखना कभी पूछा गया है किसी एग्जाम में बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास। ये भी राजपूत राजा थे, महेश दास ये चतुर मंत्री थे और ये न्याय विभाग के प्रमुख थे क्योंकि न्याय करने का इनको बड़ा अच्छा तजुर्बा था, इसलिए जो बीरबल थे ये न्याय विभाग के प्रमुख थे। ये एक बीरबल एक साहित्यकार भी थे जो ब्रह्मा उपनाम से कविताओं या कहानियों की रचना करते थे। अकबर ने स्टूडेंट्स जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, जो बीरबल था ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति था। ठीक है, केवल 18 व्यक्तियों ने ही दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। कई इतिहासकारों ने दीन ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था इसको अकबर की एक मूर्खतापूर्ण नीति के बारे में बताया गया है कि दीन ए इलाही धर्म अकबर की एक मूर्खतापूर्ण नीति थी, ये सफल नहीं हो सकी। कुल 18 व्यक्ति ही इसमें जुड़ सके, सभी हिंदू और मुसलमानों को मिला थे, जिसमें एकमात्र हिंदू जुड़े गए थे जिसका क्या नाम था स्टूडेंट्स, बीरबल था। केवल रविवार के दिन ही अकबर ने एक रविवार का दिन ही ऐसा रखा था जिससे दीन ए इलाही धर्म की सदस्यता ली जा सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बीरबल की डेथ कहां होती है, तो सिंध के आसपास जो पाकिस्तान का क्षेत्र है यूसुफ जैन जाति के विरुद्ध एक
विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की डेथ वहां पर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर फिर लिखा है क्या, फैजी, एफ से बनेगा क्या, एफ से बनेगा फैजी। फैजी कौन था, तो ये फारसी भाषा का, जैसे एफ लिखा है तो फारसी भाषा का ज्ञाता था, और जो उसका पुत्र था सलीम, इस सलीम की गणित विषय का शिक्षक था, और दीन इलाही धर्म का ये प्रबल समर्थक था। दीन इलाही धर्म का प्रबल समर्थक सबसे पहले इसी ने अपनाया था, किसने, फैजी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहां लास्ट में एम लिखा है, तो एम से क्या बनता है, एम से बनता है मुल्ला दो प्याजा। ये एक सलाहकार था और ये कटाक्ष करने में माहिर था, किसी की भी बात को जल्दी से तर्क दे करके ये काट देता था, और ये खाते समय जब भी ये भोजन करता था, खाना खाता था, तो दो प्याज खाता था, इसलिए अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे थे अकबर के नौ रत्न। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें या किलों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से किले या इमारतें अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं, तो आइए अब हम उनको देखते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना होगा, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है स्टूडेंट्स, मरीजोधा ने आग व इबादत से, मरीजोधा ने आग व इबादत से बुलंद सलीम व इलाहाबाद के लाल पे फतेह पाई है। क्या याद करना है आपको, मरीजोधा ने आग व इबादत से बुलंद सलीम व इलाहाबाद के लाला पे फतेह पाई। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है, इतना तो मेमोराइज आप कर ही सकते हो। अब हम देखते हैं यहां जो मरी शब्द लिखा है, इससे बनता है मरियम की कोठी, और स्टूडेंट्स इसमें सभी की सभी जो इमारतें हैं, केवल इलाहाबाद का किला यदि छोड़ दिया जाए तो जितनी भी इमारतें हैं स्टूडेंट्स, ये सभी की सभी इमारतें आगरा के आसपास की हैं, लाहौर के किले को भी यदि छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। तो देखते हैं यहां मरी से बनेगा क्या, मरियम की कोठी, ये अकबर ने बनवाई। फिर यहां लिखा है जोधा, जोधाबाई का महल, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। फिर यहां आग लिखा है, तो आग से बनेगा आगरा का लाल किला। स्टूडेंट्स लाल किले पर संदेह नहीं करना है, लाल किला भारत में दो है जो लाल पत्थर से बनाए गए हैं, एक तो आगरा का लाल किला जो अकबर के द्वारा बनवाया गया, और दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, आगे हम आपको बताएंगे। तो आगरा का लाल किला भी इसने बनवाया। फिर यहां इबादत शब्द लिखा है स्टूडेंट्स, तो ये इबादत खाने का निर्माण भी इसने करवाया, थोड़ी सी चर्चा हम इबादत खाने पर करे देते हैं। स्टूडेंट्स जो ये इबादत खाना था, इसे विश्व धर्म संसद के रूप में भी उस समय की देख सकते थे। इबादत खाने का मतलब था एक ऐसा महल अकबर ने बनवाया था जहां सभी जातियों के जो लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों की अच्छी बातों पर विचार विमर्श करते थे, अकबर के सामने रखते थे, उनमें से अच्छी बातों को अकबर स्वीकार करके और अपने राज्य में उनको लागू करवाने के लिए आदेश दे देता था। तो ऐसे यहां सब बैठकर कुल मिला के एक संसद होती थी जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे विचार अकबर के सामने रखे जाते थे। इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि अकबर ने कुछ जैनों का भी सहयोग किया, सिखों का भी और हिंदुओं का भी सहयोग किया है। तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है बुलंद, तो बुलंद से क्या बनेगा, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जो आगरा के पास ही फतेहपुर सीकरी नामक शहर या हम कहें नगर या किला बनवाया था किसने, अकबर ने, अपनी गुजरात विजय के बाद में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो यहां बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया स्टूडेंट्स, वो भी किसने करवाया, अकबर ने करवाया। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है सलीम शब्द लिखा है, तो सलीम से बनेगा, सलीम चिश्ती का मकबरा भी किसके द्वारा बनवाया गया, सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया, क्योंकि अकबर जो था सलीम चिश्ती का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए उसने अपने लड़के का नाम सलीम रखा था। सलीम चिश्ती अकबर के कौन थे, आध्यात्मिक गुरु थे। फिर हम आगे देखते हैं, यहां लिखा है इलाहाबाद, तो स्टूडेंट्स इलाहाबाद का जो किला है, इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल गंगा यमुना के तट पे, संगम घाट पे ये किला बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। फिर स्टूडेंट्स यहां पर लाला लिखा है, तो एक ला से बनेगा लाहौर का किला और एक ला से बनेगा लाल किला। ठीक है, कहां का लाल किला, आगरा का, उस पर चर्चा हो गई। और यहां लिखा है स्टूडेंट्स फतेह, तो फतेह से क्या बनेगा, फतेहपुर सीकरी नामक शहर किसने बसाया, तो फतेहपुर सीकरी नामक शहर भी किसके द्वारा बसाया गया, अकबर के द्वारा। ठीक है, फतेह का ये अर्थ है। और फिर यहां पाई साइलेंट, फिर है लिखा है शब्द, तो है से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में है, भारत की फर्स्ट इमारत है संगमरमर से बनी हुई। तो हुमायूं का मकबरा कहां है,
दिल्ली में है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा बनवाया गया? उसके लड़के अकबर के द्वारा। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स आगे अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को। अकबर ने इसके अलावा उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था क्या थी, समाज सुधार के कौन कौन से कार्य अकबर के द्वारा किए गए, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1562 में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की। स्टूडेंट्स यहां से प्रश्न बनते हैं किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया, तो अकबर ने। ठीक है, ये दास प्रथा स्टूडेंट्स क्या होती थी, निम्न जातियों के लोगों को, बड़े बड़े जो लोग होते थे, जमींदार वगैरह, जो सूबेदार वगैरह जो होते थे, ठीक है, उस टाइम पर जो बड़े पदों पर रहते थे, ये अपने यहां दास बना करके लोगों को रखते थे और उनसे कई निम्न स्तर के कार्य करवाते थे, या दास खरीदे बेचे भी जाते थे उस समय, और युद्ध में जो जीते हुए शत्रु के सैनिक होते थे उनको भी दास बना के रखा जाता था और उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। ठीक है, तो ये दास प्रथा का अंत किसके द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा करवाया गया 1562 में। अब हम देखते हैं 1563 में इसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की। मुख्यतः जो हिंदू लोग तीर्थ यात्रा करते थे, खासकर काशी बनारस वगैरह जो हिंदुओं के धार्मिक क्षेत्र हैं, यहां पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जो हिंदू थे वो टैक्स देते थे, कर देते थे, इसकी समाप्ति भी किसके द्वारा करवाई गई, 1563 में अकबर के द्वारा। आगे देखते हैं 1564 में इसने जजिया कर की समाप्ति की। स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं, जजिया कर क्या कहलाता था, तो जो गैर हिंदू, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति होते थे, गैर मुस्लिम मतलब केवल जैसे हिंदू हैं या जैन हैं या पारसी हैं या सिख हैं, ये स्टूडेंट्स गैर मुस्लिम कहलाते थे, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते उनको हम गैर मुस्लिम उस टाइम पर कहते थे, आज भी कहते हैं। तो जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया गया था, एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, इसकी भी समाप्ति किसके द्वारा करवाई गई, अकबर के द्वारा। फिर हम देखते हैं आगे, यहां से भी प्रश्न बनता है स्टूडेंट्स की आगरा से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की, तो अकबर ने ही जो राजधानी थी वो आगरा से कहां ले गया, दिल्ली ले गया। ठीक है, दिल्ली से कहां ले गया, लाहौर ले गया, और लाहौर से फिर आगरा लाया। ठीक है, कभी हम अलग से मुगल काल और उनकी राजधानियों के बारे में बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि जो उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था उसी में बैठक के दौरान में एक जैन विद्वान का नाम आता है, उनका नाम आता है हरिसूरी, तो जैन विद्वान हरिसूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैन विद्वान हरिसूरी को जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा दी गई, जो इसको सर्वधर्म संभव मतलब लगभग सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखने वाला एकमात्र जो मुगल शासक था वो अकबर था, यहां से आप समझ सकते हैं। फिर एक अगले जैन गुरु रहते हैं चंद्रसूरी, चंद्रसूरी को ये उपाधि देता है कौन सी, योग प्रधान की। तो दोस्तों चंद्रसूरी जो जैन संत हैं इनको युग प्रधान की उपाधि कौन देता है, अकबर देता है। कहते हैं कि मीराबाई उसी के समकालीन थी, मीराबाई को झुककर के प्रणाम चरण स्पर्श किसने किए, अकबर ने मीराबाई के सम्मान में उनको प्रणाम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम कहते हैं कि अकबर जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, गुरु रामदास के लिए सिखों के जो गुरु थे गुरु रामदास को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन उपहार में दी, किसके द्वारा, अकबर ने। जो आज वहां अमृतसर में 500 बीघा जमीन जो दी थी वो किसने दी थी, अकबर ने, जो सिखों का बहुत बड़ा जो गुरुद्वारा, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो सिख समुदाय का है, इसके लिए जमीन किसने दी थी, अकबर ने दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये चित्रकार भी था एक चीज, हाँ ये चित्रकार भी था, एक चीज और ध्यान रखना, ये नगाड़ा बजाने का शौकीन था, मतलब ये संगीतकार भी था, संगीत में रुचि रखता था, हालांकि औरंगजेब ने तो संगीत पर प्रतिबंध ही लगा दिया था, इसी का वंशज औरंगजेब आगे अपन पढ़ेंगे, पर ये नगाड़ा बजाने में महारत हासिल था अकबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके टाइम पीरियड पर दसवंत और बसावंत दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जो चित्रकारी कला में निपुण थे, इसके दरबार में रहते थे, कौन से दो चित्रकार थे, दसवंत और बसावंत। आगे अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स विट्ठलनाथ, जो आपको पता होगा ये वल्लभाचार्य के गुरु है, विट्ठलनाथ और सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, कृष्ण भक्त हैं ये विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ जो उनसे मिलते हैं जब वही इबादत खाना के दौरान, तो विट्ठलनाथ को गोकुल और मथुरा की जागीरें कौन प्रदान करता है, अकबर प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, भू राजस्व की जब्ती प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई, अकबर के द्वारा चलाई गई भू राजस्व की जब्ती प्रणाली। यदि कोई किसान टैक्सेस नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन का कुछ हिस्सा जब्त कर लिया जाता था। टोडरमल के द्वारा स्टूडेंट्स यहां पर दहशाला प्रणाली भी चलाई गई, टोडरमल ने चलाई थी, हालांकि अकबर के टाइम पीरियड पर चलाई गई थी दहशाला प्रणाली। दहशाला प्रणाली स्टूडेंट्स क्या कहलाती थी, दहशाला का मतलब होता था कि यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी 10 साल की जो उपज होती थी उसकी 10 साल
कि उपज का एक एवरेज या औसत निकाल लिया जाता था और उसका एक तिहाई जो उत्पादन होता था उस 10 साल के एक तिहाई उत्पादन को राजकोष में जमा करना होता था। ये राजा टोडरमल के द्वारा या उसके राजस्व मंत्री टोडरमल के द्वारा अकबर ने एक नीति चलवाई थी जिसे हम दहशाला प्रणाली कहते थे। स्टूडेंट्स, इसने समाज सुधार के भी कई कार्य किए। इसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, विधवाओं के फिर से विवाह हो सकते थे। इसने बाल विवाह को समाप्त कर दिया, इसके टाइम पीरियड पर बाल विवाह नहीं होते थे। इसने बाल विवाह करने की एक आयु निर्धारित कर रखी थी, लड़कों की एज 16 वर्ष और लड़कियों की एज 14 वर्ष इसने निर्धारित कर रखी थी। ठीक है, ये प्रश्न सब पूछे गए हैं। सती प्रथा पर रोक लगा रखी थी इसने, सती प्रथा पर प्रतिबंध था। जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट, सती प्रथा के बारे में कि जलती चिता पर यदि किसी के पति की असमय डेथ हो जाती है और पत्नी जीवित है तो जलती चिता पर महिलाएं को लेटा दिया जाता था या बैठा दिया जाता था और जिंदा ही वो महिलाएं जलती चिता पर बैठ जाती थी, जिसको हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, उसको हम कहते थे सती प्रथा। ठीक है, और जौहर करना स्टूडेंट्स की अलग बात होता था। जौहर राजपूत रानियां करती थी। जौहर करने का मतलब होता था कि जब राजपूत शासक हार रहा होता था, उसके साथ बहुत से राजपूत सैनिक मारे जाते थे, तो जब रानियों को यह पता चलता था तो एक साथ हजारों की संख्या में जलती हुई चिता में कूद जाती थी ताकि जो खासकर जो मुगल थे वो उनको स्पर्श ना कर सकें, उनको परेशान वो ना कर सकें। ये कहलाता था स्टूडेंट्स जौहर करना। बाबर के टाइम पर यहाँ मालवा टाइप के क्षेत्र में चंदेरी अशोकनगर जिला जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ बहुत सी रानियों के जौहर की कथा का प्रसंग आता है। राजपूत रानियां मेवाड़, मेड़ता, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर, यहाँ राजस्थान में जो राजपूत राजघराने हैं यहां से भी जौहर के कई प्रमाण मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अब हम देखते हैं अंतरजातीय विवाह। हाँ, ये अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देता था, मतलब दूसरी जातियों में लोग विवाह कर सकते थे। इसने जो इसके टाइम पर वैश्यालय चलते थे, बिल्कुल वैश्यालय चलते थे, वैश्याएं महिलाएं यहां पर होती थी, लेकिन इसने वैश्यालयों को शहरों के जहां बसाहट होती थी इनके बाहर इसने स्थापित इनको करवाया और अकबर ने इनको नाम दिया था वैश्यालयों को सैतानपुरी। कभी प्रश्न आया है कि अकबर के टाइम पीरियड पर, अकबर के शासनकाल में सैतानपुरी किसे कहा जाता था स्टूडेंट, तो सैतानपुरी किसे कहा जाता था, वैश्यालयों को सैतान नाम इसलिए दिया था ताकि नाम सुनकर के बहुत से लोग वहां पर ना जाएं। आगे हम देखते हैं इबादत खाने का इसने आगरा में निर्माण करवाया था। इबादत खाने का मतलब हम आपको बता चुके कि बहुत सारे व्यक्ति एक स्थान पर कई धर्मों के लोग बैठ करके सलाह मशवरा करते थे। इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिस धर्म में किसी कोई भी व्यक्ति इस धर्म को मान सकता था। हमने आपको बताया कुल 18 व्यक्ति ही इस धर्म को स्वीकार कर पाए। एकमात्र हिंदू पहला और अंतिम जो व्यक्ति रहा वो बीरबल था, दीन ए इलाही धर्म। अब यहां से प्रश्न कैसा आता है स्टूडेंट्स कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो याद रखना है दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। फिर इसने एक पैबूस और सिजदा प्रथा का भी प्रारंभ इसने करवाया स्टूडेंट्स, और ये जो सिजदा प्रथा थी, इसको हम सजदा प्रथा कहते हैं। इसका मतलब ये होता था कि राजा के सम्मुख जो कोई भी व्यक्ति जाता था, शासक अकबर के सामने जो कोई भी व्यक्ति जाता था अपनी पगड़ी को उतार कर उनके चरणों में रखता था और शाश्वत झुककर उनको प्रणाम करता था ताकि लोग तानाशाह ना हो, अनुशासन बना रहे, शासक का सम्मान बना रहे। इसके लिए उसने सिजदा प्रथा और पैबूस प्रथा का प्रचलन करवाया था जो दिल्ली से ही चलती आ रही थी, दिल्ली सल्तनत से ही। ठीक है स्टूडेंट, इसने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, लोग एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते थे। एक से अधिक विवाह व्यक्ति कब कर सकते थे, जब कोई पत्नी से बच्चे ना हो रहे हो तब की कंडीशन में वो दूसरा विवाह कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने बालिका वध पर पूर्णतः रोक लगा रखी थी। ये बालिका वध मुख्यतः राजपूत राजघरानों में जो शासक वर्ग और बड़े उच्चकल के व्यक्ति होते थे उनके यहाँ बालिका वध का प्रचलन था, तो बालिकाओं को जन्म लेने के बाद ही उनको मार दिया जाता था, ऐसा इतिहास में आता है। तो इसने बालिका वध को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, बालिका वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। प्रश्न आता है किस मुगल शासक ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, अकबर ने चलाई। ये घोड़ों को दाग देता था ताकि जो दूसरे मनसब होते थे वही के वही घोड़े फिर से ना दिखा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, सैनिकों का हुलिया, हाँ सैनिकों का हुलिया मतलब इसके यहाँ जो सैनिक होते थे उनका हुलिया नाक नक्शा लिखा जाता था कि वो कैसा है, ये अकबर ने चलाई।
इसमें स्टूडेंट्स एक प्रथा चलाई थी जिसे मनसबदारी प्रथा कहा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मनसबदारी प्रथा क्या थी, जो सैनिक होते थे इन सैनिकों को कई प्रकार के पदों में बांट दिया गया था, इनके कई प्रकार के पद सैनिकों को रख दिए गए थे, घोड़ों के अनुसार कोई कितने घोड़े पालेगा कोई कितने घोड़े पालेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहते थे मनसबदारी प्रथा, और उन घोड़े पालने के अलावा सैनिकों को इसने मासिक वेतन देना भी प्रारंभ किया था, तो उस वेतन देने की प्रथा को भी मनसबदारी प्रथा कहा जाता था, और घोड़ों को पालने की सैनिकों द्वारा उसको हम क्या कहते थे, मनसबदारी प्रथा कहते थे। स्टूडेंट्स, इसने 1579 में मजहर की स्थापना की, कभी मजहर लिखा होता है कहीं महजर लिखा होता है, एक ही बात है। इसने 1579 में मजहर की स्थापना की या महजर की स्थापना की। स्टूडेंट्स, ये मजहर या मजहर क्या कहलाता है, तो क्या होता था कि जब इबादत खाना में बहुत से धर्मगुरु बैठते थे और धर्म पर चर्चा होती थी, तो कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता था, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, कोई निष्कर्ष समाज सुधार का नहीं निकल पाता था, तो जब उसने मजहर या महजर की स्थापना की तो ये एक प्रकार का आदेश था या एक प्रकार का ऐसा संगठन था कि जो अंतिम निर्णय होगा वो शासक का होगा, मतलब अंतिम निर्णय कौन करेगा, अकबर स्वयं करेगा कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, तो ये कहलाता था मजहर। स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे देखते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि इलाही संबत किसने चलाया और कब चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट। तो इलाही संबत किसके द्वारा चलाया गया, इलाही संबत अकबर के द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, 1583। ये तो आपको याद ही हो जाएगा, दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, तो इलाही संबत कौन चलाएगा, इलाही संबत अकबर ही चलाएगा। हाँ स्टूडेंट, यहां पशुबध अकबर के टाइम पीरियड पर होता था, लेकिन अकबर ने कुछ पवित्र जो हिंदुओं के अनुसार जो दिन थे इनमें पशुबध को प्रतिबंधित कर रखा था। किस शासक ने विशेष दिनों में पशुबध को प्रतिबंधित कर रखा था, अकबर ने। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहां आ गए अकबर के कुछ युद्ध या अकबर के कुछ अभियानों को हम देखते हैं। हालांकि अकबर का जो शासन विस्तार था ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा शासन तो औरंगजेब ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा शासन विस्तार जो किया वो अकबर के टाइम पीरियड पर हुआ। तो आइए देखते हैं अकबर के युद्ध या फिर अकबर के अभियान। स्टूडेंट्स, जब अकबर के पिता हुमायूं की डेथ हो जाती है, तो जो आदिल शाह का एक चतुर सेनापति होता है राव हेमू विक्रमादित्य, ध्यान से सुनना, आदिल शाह जो सूरी वंश का शासक है इसका एक चतुर सेनापति है जिसका नाम है राव हेमू विक्रमादित्य। ये राव हेमू विक्रमादित्य जो 22 लड़ाइयां जीत करके आया है, ये जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो अकबर रहता है पंजाब साइड, क्योंकि ये वहां का सूबेदार रहा, ठीक है, तो दिल्ली और आगरा पर राव हेमू विक्रमादित्य जो सूर्यवंश का शासक होता है, एक नमक व्यापारी था, मुख्यतः ये नमक बेचने वाला व्यापारी था, लेकिन इसके कुछ अच्छे गुणों और वीरता को देखते हुए आदिल शाह ने सूर्यवंश का जो शासक था इसने अपने यहां इसे सेनापति नियुक्त कर रखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो उस टाइम पर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में सीढ़ियों से फिसलते हुए दीनपनाह नगर में, तो ये राव हेमू विक्रमादित्य वहां दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लेता है। जब ये जानकारी अकबर को लगती है तो अकबर वहां से बैरम खान के संरक्षण में आगरा और दिल्ली पर अटैक करता है, और इसी युद्ध को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या कहते हैं इसे, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो हुआ 5 नवंबर 1556। याद रखना, पहला 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है, क्योंकि दिल्ली तरफ आने के लिए पानीपत से ही प्रवेश करते हैं पश्चिम की तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और ये किस किस के बीच होता है, तो ध्यान से सुनना, ये होता है राव हेमू विक्रमादित्य और अकबर की सेनाओं के बीच में। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, बैरम खान कर रहा होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि जो राव हेमू विक्रमादित्य है इसे आंख में तीर लग जाता है, इसकी सेना जीतने वाली थी। जैसे ही राव हेमू विक्रमादित्य को तीर लग जाता है तो सेना इसकी वहां से युद्ध को छोड़ करके भागने लगती है स्टूडेंट्स। और ये जो राव हेमू विक्रमादित्य था ये 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसके पहले 13 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। तो राव हेमू विक्रमादित्य कौन सा शासक था, 14वें नंबर का शासक था, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछे जाते हैं। और एक चीज और याद रखना, अंतिम हिंदू शासक राव हेमू विक्रमादित्य था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, या दिल्ली का जो शासक बना, दिल्ली और आगरा दोनों इसने अपने अधीन कर लिए थे,
अंतिम हिंदू शासक था राव वेमू विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसे एक उपाधि और दी गई है, इसे अंतिम हिंदू सूर्य भी कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, राव वेमू विक्रमादित्य को अंतिम हिंदू सूर्य भी कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, और अंतिम हिंदू सूर्य किसे कहा जाता है? राव हेमू विक्रमादित्य। तो इसमें राव हेमू विक्रमादित्य को पकड़ लिया जाता है, अकबर केवल तलवार गले पर रखता है, केवल स्पर्श कराता है, और बैरम खान तलवार से उसका सिर काट करके और उसको खत्म कर देता है, उसको मृत्यु दंड दे देता है। राव हेमू विक्रमादित्य को कौन? बैरम खान। और इस प्रकार से दिल्ली और आगरा फिर से एक बार हाथ में आ जाते हैं मुगलों के, मतलब अकबर के। तो ये था मुख्यतः पानीपत का द्वितीय युद्ध, इतना ही पर्याप्त है स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि ये तो दिल्ली और आगरा पर अधिकार इस युद्ध के दौरान हो जाता है, अब इसके बाद में वो अभियान चलाता है जीतने के लिए। तो इसके बाद में जब वो अभियान चलाता है तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो फर्स्ट अभियान होता है ये होता है मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र में 1561 में। वो किसे भेजता है? हमने शुरू में आपको बताया था, आदम खां को भेजता है, जो महामनगा का पुत्र है, जो उसकी धाय माँ है, आदम खां को भेजता है। तो यहाँ आदम खां और मालवा के शासक बाज बहादुर के बीच में संघर्ष होता है और उसमें बाज बहादुर की हार हो जाती है। आदम खां इसमें जीत जाता है, किले पर अधिकार कर लेता है, बहुत सारा धन आदम खां लूट लेता है जो अकबर के राजकोष में जमा नहीं करता है, खुद अकबर को मारने का प्रयास करता है आदम खां। इसके बाद में अकबर आदम खां को पकड़वा के इसे मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाज बहादुर वही हैं जिनकी प्रेमिका का नाम था रूपमती, जिनके प्रेम प्रसंग की कथा बहुत ज्यादा विख्यात है, बाज बहादुर और रानी रूपमती के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं उसका। हाँ, ये जो गोंडवाना का आक्रमण है अकबर के शासनकाल में स्टूडेंट्स, इसे काला दिन या कलंक कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में किस युद्ध या किस अभियान को अकबर के शासनकाल का कलंक कहा जाता है, ये कभी पूछा गया है प्रश्न स्टूडेंट्स? तो ये कहा जाता है जब उसने गोंडवाना पर आक्रमण किया। ये गोंडवाना क्षेत्र स्टूडेंट्स ये मध्य प्रदेश में जबलपुर मंडला के आसपास का क्षेत्र है, जहां की जो रानी रहती है वो रानी दुर्गावती रहती है। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। ये गोंड रानी थी। ठीक है, इनके पति की असमय डेथ हो जाने के बाद कारण इनका जो अवयस्क पुत्र था उसका नाम था वीर नारायण। ये वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में यहाँ गोंडवाना राज्य में राज्य कर रही थी। तो आसफ खां के नेतृत्व में अकबर वहां किसको भेजता है? आसफ खां को भेजता है। आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण करता है। रानी दुर्गावती और आसफ खां की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होता है। चूंकि आसफ खां की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी, ये महिला रानी थी, इनकी जब हार होने लगती है, इनको तीर लग जाते हैं कई स्थानों पर अपने शरीर में, तो रानी दुर्गावती अपने जो सेनापति से कहती है कि तलवार से या कटार से आप हमें मार दें, लेकिन वो ऐसा करने में जब असमर्थता जताते हैं तो रानी जो दुर्गावती है ये स्वयं ही अपने कटार से अपने स्वयं की मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये शहीद हो जाती है, ये खुद ही मृत हो जाती है कटार के कारण। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। इतना पर्याप्त है यहां से। तो ये जो गोंडवाना का आक्रमण है अकबर के शासनकाल में कलंक इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र शांत राज्य ऐसा था जो बिल्कुल शांति से जीवन यापन वो राज्य के लोग रानी दुर्गावती के संरक्षण में कर रहे थे, राज्य विस्तार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी राज्य ने अकबर ने एक शांत राज्य पर आक्रमण को थोप दिया जबरदस्ती। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में बहुत फेमस इसकी जो लड़ाई या युद्ध है ये है हल्दीघाटी का युद्ध। ये हुआ राजस्थान में हल्दीघाटी के क्षेत्र में 1576 में। ये किसके बीच में हुआ? ये हुआ अकबर के सेनापति राजपूत राजा मानसिंह और दूसरी तरफ थे राजपूत राजा राणा प्रताप। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ है। ये अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? राजा मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ। राणा प्रताप राजपूत राजा थे, कहां के? मेवाड़ राजघराने के, राणा सांगा के ही ये वंशज थे, मेवाड़ राजघराना के ये राजा थे। इसमें राणा प्रताप की हार हो जाती है, राणा प्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, परिवार को लेते हुए जंगलों में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन इसके बाद में वो फिर से सेना का संगठन भामाशाह की सहायता से करते हैं और एक बार फिर से मेवाड़ के कई हिस्सों को जीतने में सफल हो जाते हैं और अकबर उन हिस्सों को हारता चला जाता है। एक बार फिर से मेवाड़ पूरा का पूरा राणा प्रताप के अधीन हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में अकबर के कई अभियान हुए, कहना चाहिए मध्य भारत में राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में, राजस्थान के कई राजपूत क्षेत्र उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हम बता चुके, कई जगह उसकी संधि हुई और कई जगह उस पर आक्रमण उन राज्यों पर अकबर के द्वारा थोपे गए, जिसमें से मेवाड़ है, मेवात है, रणथंभौर है,
बीकानेर है, ऐसे स्टूडेंट्स कई क्षेत्र राजस्थान के आसपास के हैं जहां के क्षेत्रों पर अकबर का अधिकार हो जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स वो शांत नहीं रहा, इसने बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर और सिंध, लाहौर, मतलब भारत से ऊपर के तक क्षेत्रों पर इसका अधिकार धीरे धीरे होता गया। ये युद्ध इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने यहाँ आपको नहीं बताया है, या कभी जब अकबर के पूरे युद्ध हम एक तरफ से बताएंगे तब हम इसके विजय अभियान के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से एक विजय और इम्पोर्टेंट है, वो है स्टूडेंट्स कौन सी, गुजरात विजय, जो उसने गुजरात के तरफ के राजाओं पर आक्रमण किया, गुजरात को जीतने के लिए सेना लेकर अकबर खुद गया, तो ये गुजरात वो जीता, गुजरात में विजय प्राप्त की 1571 में। इसी विजय को उसने ऐतिहासिक विक्ट्री के रूप में पेश किया और यहीं से लौट करके जब वो आगरा में आता है तो फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे की स्थापना वो ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में करवाता है। यहां से प्रश्न आता है स्टूडेंट्स कि किस विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना करवाई थी, तो यहां आपको कहना है, क्या कहना है आपको, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने आगरा में फतेहपुर सीकरी में आगरा के पास में बुलंद दरवाजे की स्थापना करवाई थी। कभी कभी यहां से प्रश्न आया है कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा था, तो अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था गुजरात अभियान के दौरान, ये प्रश्न कभी स्टूडेंट्स आया है। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, देखो यहां इसका जो अंतिम अभियान है ये पूछा जाता है, प्रथम और अंतिम अभियान और पानीपत और हल्दी घाटी गुजरात विजय, ये आप जरूर याद रखना स्टूडेंट्स। अकबर का जो अंतिम विजय अभियान है ये होना है 1601 में, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकबर का जो अंतिम अभियान या अकबर का जो अंतिम युद्ध या अंतिम बैटल, अंतिम जो लड़ाई होती है अकबर की, वो होती है 1601 में, और ये कौन से किले पर आक्रमण करता है स्टूडेंट्स, असीरगढ़ का किला, इसकी दीवारें पूरे भारत में सबसे ज्यादा लंबाई की है, लगभग 250 मीटर की, असीरगढ़ का किला स्टूडेंट्स। ये असीरगढ़ का किला कहाँ है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। जो भी व्यक्ति पश्चिम विजय की ओर जाता है, सॉरी दक्षिण विजय की ओर निकलता है, उसे असीरगढ़ के किले से ही होकर के जाना पड़ता है, तो असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। ये वो जीत लेता है अकबर, इस पर भी अधिकार कर लेता है, और यहां उसका युद्ध किससे होता है, तो मीरन बहादुर नामक शासक से, किससे होता है, मीरन बहादुर नामक शासक से अकबर का अंतिम युद्ध होता है, असीरगढ़ के किले को वो जीतता है, कब जीतता है, 1601 में। स्टूडेंट्स इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद में 1605, ये वही अंतिम सन है जिसमें अकबर की डेथ हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सलीम ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था तो अकबर मानसिक रूप से विक्षिप्त रहने लगा, अकबर मानसिक रूप से परेशान हो गया, और अंत में कहते हैं कि 1605 में पेचिस की बीमारी, पेट दर्द के कारण अकबर की डेथ हो जाती है, और अकबर को कहां दफनाया जाता है, सिकंदरा में। स्टूडेंट्स कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर है, अकबर को कहां दफनाया गया, तो अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और स्टूडेंट्स यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, आप करें ही मदद, यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में लोगों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा जहांगीर को लेकर के होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।